तो कल हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीजन, यही था ना? डिग्री ऑफ कंप्लीजन के अंतर्गत हमें यह पढ़ना है कि इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपरेटिव में, कंपरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। इस आधार पर हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है? तो जैसा कि डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं, पहला है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, साधारण अवस्था, चाहे आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले चाहे आपको कंपरेटिव डिग्री मिले, इसको बदलने के लिए आपको दो रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहला एज एस और दूसरा सो एज। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एज एस का प्रयोग हमेशा समान गुण के लिए किया जाता है, समान गुण के लिए किया जाता है। जब दो व्यक्ति की, दो वस्तु की, दो स्थान के समान गुण हो, उसको हम दर्शाने के लिए एज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना? ठीक उसी प्रकार से जब दो वस्तु का, दो व्यक्ति का, दो स्थान का असमान गुण हो, असमान गुण हो, तो हम सो एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ में आया कि एज का प्रयोग समान गुण के लिए और सो एज का प्रयोग असमान गुण के लिए किया जाता है, ठीक ना? इसका प्रयोग पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव वे में होता है, जबकि सो एज का प्रयोग नेगेटिव वे में होता है, सो एज का प्रयोग नेगेटिव वे में होता है। एग्जांपल देख लें, जैसे जैसे राम इज एज गुड एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर, कहने का मतलब यह है कि राम इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, राम उतना अच्छा है जितना कि उसका भाई। हम या तो हिज ब्रदर से भी बना सकते हैं या राम से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि गुण समान है, कहीं से भी हम उठा करके ये पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे हिज ब्रदर इज as good as Ram, क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का समान गुण है, हम आगे पीछे कहीं से भी नॉन टू नॉन को उठा करके इस गुण को बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है ये सो एस का प्रयोग, दूसरा सो एस का प्रयोग हमेशा निगेटिव होता है। जैसे सी इज नॉट so beautiful, she is not so beautiful as her sister। इसमें क्या होता है, so as में जिसका ज्यादा गुण हो, जिसकी क्वालिटी ज्यादा हो, उसको हम so से जोड़ेंगे, और जिसका लेस क्वालिटी हो, कम क्वालिटी हो, उसको हम किससे जोड़ेंगे, as। तो यहां पर आप देख सकते हैं she is not so beautiful as her sister, वह उतनी सुंदर नहीं है जितना कि उसकी बहन, ठीक ना? तो सो जो है कम गुण वाले के लिए और एज जो है ज्यादा गुण वाले के लिए ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कंपरेटिव मिले या आपको सुपरलेटिव मिले, आप समान या असमान गुण को देखें, और देखने के बाद आप समान गुण के लिए एज है और असमान गुण के लिए सो एज का प्रयोग करें। ये बात क्लियर हो गई? बिटा दे इसको, हाँ लिख लो फटाफट लिखो।
लिख रहे हैं, दूसरा है कंपरेटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री क्या होता है, चाहे आपको पॉजिटिव मिले चाहे सुपरलेटिव मिले, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला कि आप कंपरेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे और दूसरा तुलना करने के लिए आप दैन का प्रयोग करेंगे। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। ये जब दो शब्द आपको ध्यान रहेंगे तो आप जो है चाहे सुपरलेटिव हो चाहे आपका पॉजिटिव हो, आप कंपरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। और कंपरेटिव डिग्री बदलने के लिए आपको दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो स्थान की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोहन इज richer than his cousin. मोहन इज richer than his cousin. मोहन जो है अपने कजिन से ज्यादा अमीर है। यहां पर देखिए richer जो है rich नामक शब्द से comparative degree बना है richer, और then जो है his cousin से जो है तुलना कर रहा है। तो comparative degree में हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि हमारे पास एक कंपरेटिव वर्ड होना चाहिए और साथ में दैन नामक शब्द जिसे आप किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से तुलना कर सके, ठीक है। इसमें ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए दो बातों का ध्यान होना जरूरी है। पहला कि आप सुपरलेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे और दूसरा आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका सिंटैक्स में बड़ा ही मिस्टेक करता है हटा करके, लेकिन आपको समझना है कि सुपरलेटिव वर्ड जो होगा उसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाएगा। और आप जानते भी हैं सुपरलेटिव डिग्री में एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक स्थान का पूरे ग्रुप से ही कर दिया जाता है, तुलना पूरे ग्रुप से कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, बेस्ट बॉयज, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जब भी वन ऑफ द तुलना करें, वन ऑफ द लगा करके तुलना करें, तो यहां जिस ग्रुप से तुलना होगा उसको प्लूरल आप कर देंगे। जैसे ये बॉय है, बॉय को आप क्या कर देंगे, बॉयज कर देंगे, ठीक ना। दूसरा राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब इसमें आपको क्या करना है कि राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। जब केवल किसी व्यक्ति या बच्चे का या किसी स्थान का या वस्तु का नाम लेकर के हम तुलना करें, तो यहाँ पर बॉय में बॉयज नहीं करेंगे। जिस ग्रुप में आप तुलना करेंगे वहां पर यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वन ऑफ द लगा करके अगर आप तुलना करते हैं, तो जिस ग्रुप से आप तुलना करेंगे उसको आप क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, बहुवचन कर देंगे। यही दोनों में डिफरेंट होता है। आज समझ में आ गया होगा, समझ में आया, मिटा दे। थोड़ा सा इंटरचेंज देखते हैं।
ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग जो है इंटरचेंज करेंगे आपस में, कंपेरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव को आपस में चेंज करते रहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे यू आर नॉट सो वाइज, यू आर नॉट सो वाइज एज ही। देखिए आपने देखा सो और एज का प्रयोग आपने देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री में है। आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए कि बात पॉजिटिव डिग्री में हो रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इसको कंपरेटिव में बदलिए, कंपरेटिव डिग्री में बदलिए, ठीक है। तो जब कंपरेटिव डिग्री बदलना है तो आपको आपके दिमाग माना चाहिए कंपरेटिव डिग्री बदलने के लिए कंपरेटिव वर्ड प्लस वैन का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, पहले अर्थ को निकाल लीजिए, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि हुआ, इसका मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो ही इसे बना दो, ही इज मोर, सॉरी यहां वाइजर, वाइज का वाइजर होता है, ही इज वाइजर, ही इज वाइजर देन यू। बात वही निकल कर आ गई, यू आज वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो ही इज वाइजर देन यू, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, यू नो। इसका उल्टा भी बना सकते हैं, यू आर नॉट सो, यू आर नॉट वाइजर देन, वाइजर देन, ठीक है। बात वही निकल के आ गई कि तुम जो है उसके समान, उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उल्टा सीधा बना सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है, यह है कि ही इज वाइजर देन यू। बात क्लियर हो गई। Milk is more nourishing than any other food, अब जरा सोचिए, यहाँ पर दैन है, यहाँ पर मोर लगा है, तो हमारा सेंटेंस किसमें है, कंपरेटिव में, हमारा सेंटेंस कंपरेटिव में है, और कह रहा है कि इसको पॉजिटिव में बदलिए, और कह रहा है इसको पॉजिटिव में बदलिए। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए हमारे दिमाग क्या आना चाहिए, एज है और सो है, हमारे दिमाग फट से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तुलना हो रही है, कोई ज़्यादा किसी की क्वालिटी ज्यादा है, किसी की क्वालिटी कम है, जब क्वालिटी में असमानता दिखे तो हम क्या लगाना है, सो है। तो मिल्क इज मोर नोरिशिंग देन एनी अदर फूड, ना, तो आप यहां से बना लीजिए, नो सॉरी एनी एनी अदर फूड, एनी अदर फूड आर नॉट सो नोरिशिंग, are not so nourishing as milk, as milk। तो बनाना आसान है कि नहीं, बनाना एकदम आसान है। चलिए एक सुपरलेटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए, आयरन इज मोर यूजफुल, more useful than any other metal, than any other metal। अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर बात हो रही है कि आयरन जो है, लोहा जो है, दूसरे धातुओं से ज्यादा यूजफुल है, लाभदायक है। तो यहां पर देखिए, मोर लगा है, than लगा है, इतने समान सेंटेंस किसमें है,
कंपरेटिव है, हमारा कंपरेटिव में है, तो इसको हमको किस में बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है। और जब सुपरलेटिव की बात आ जाए तो हमको समझना है कि हमको आर्टिकल धीरे लगाना है और साथ में सुपरलेटिव नामक वर्ड लगाना है। ठीक है, तो बनाइए। तो आप लिखिए आयरन इज वन ऑफ द, ठीक है, मोर का सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। यहां पर मेटल्स कर देंगे, मेटल्स मतलब जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स में आयरन सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है आप सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कंपेरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में हम अन्य डिग्रियों को चेंज करते हैं। ठीक है, उत्तर।